नहीं मानता। मैंने पंडित के भेष में होदी पोखर में जाऊंगा और वेद बधाने के चक्कर में सारा संपत्ति होदी पोखर में हेदरी बचेरी और मेरे पिता के जो मूड है वो और साथ में मेरी भगवंती बहन तीनों समान को वापस लेके आऊंगा। अब मैं पंडित जी के भेष में हूँ और पंडित जी बन के जाऊंगा। पंडित जी के आसन पर बैठाओ तब से उनसे कुछ पूछेंगे। पंडित जी पहले आप आसन ग्रहण करके बैठे और पत्रा निकालिए। पत्रा में देखिए कि पोखर में मछली नहीं कुछ मिलता। पंचांग में भी देखिए ज्ञान में भी महाराज आपके बहुत अशगुन हम देख रहे हैं। आपके दरबार में क्या किसी के उस पोखरी में मूड़ मार लिया गया था क्या? जब तक वो मूर आपके दरबार में सिंदूरी को तैयार रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तब उसको क्या क्या देगा? और एक तुम्हारी भगिनी जो है भगवंती वो भी तुम्हारी दरबार में बहुत असौमन की बात है। और जानकार पंडित है बढ़िया पंडित है। और कारण एक और कारण है जो हेदली बछेरी जो तू कारागार में रखा है वो भी है तुम्हारे दरबार के एक अवसर। सब सब सामान कोई पंडित जी के दान दे चलो।
अच्छा घोड़ा जे छे हां हां होगी पोखर के कोन भंडार कोन बांध छे अच्छा ठीक छे प्रसाद जो धन हम खोल लेबे अपने जइयो Oh,
बेटी बेटियों के ले ले लग ये मूर निकाल के ले से मूरु में के तू ले ले लग आए को तो कितना के ले लग कितना के लोग ये सब तो ठीक के ले ले लग हम रात में कौन हो कल मेला दे बजे चाहिए आए हे माँ हम पंडित बन के गए उसके दरबार में और पोखर के जग कराने के चक्कर में सारा सामान ये पंडित ने दान में लेके आया ये सबका सामान पंडित जी पहन के आप मैंने सबका दान में लो लो अरे बाप रे बाप देखियो कैसे हमारा बेटा के बूंद खेल छे हे माँ चलो अपने रंग महल में आप आराम कीजिए माँ हम अब सोच लेंगे हमें क्या करना है माँ ठीक है बुआ बढ़िया थे लेकिन आराम आप ले ची करी ले आपको तरह बात नहीं करूँगा भाड़ा पर सीधार के रखा उसमें वो अशुभ है।
उसी पंडित जी को हम लोग दान में दे दिए। पांडव के प्रार्थना अनुसार 50,000 रुपया बच्चे के चढ़वा दिया, मतलब 50,000 रुपया दे दिए। सच बोले पंडित जी के, पंडित जी ने चलो चलो, छोड़ने नहीं हरे, आ जा।
पोखर आसन लगा के जो क्या काम हम की स्वागत हम इस दोनों ने काट देना है जब ये हेल्प पर से पूरेगा सभी माने स्वागत हम इन्होंने काट देना है बैठ लिए बचाई हम ही पकड़ हां अच्छा ठीक है हम है भी खेली पर एक बेटा वो बेटा हम चल जाए दुनिया
से तो हम कितना लोग रहो ते द्वारे ई झगड़ा लड़े में आहार नहीं चो बाबू। हे माँ हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है माँ, हम वहाँ पर झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ उससे एक बार मिलेंगे और देखेंगे उसके बाजू में कितना बल है, फिर पुनः वापस आने के बाद लेकिन लड़ाई झगड़ नहीं करिए आप जब कहीं से। ठीक है माँ करते बात हम की रे हमरा तो बेटा बेटा रहो माने नहीं झगड़ा करते की लड़ाई करते की करते अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है।